जायका एंड टिप्स में मिसेज राना मनोहर आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज पे स्पेशल सा सूप लेके आए हैं आपके लिए, सर्दियां हैं तो आप सूप पीजिएगा। तो हम बनाएंगे आज सूप, आप एज ए उसको दाल भी यूज कर सकते हैं और इसका सूप भी, दोनों चीजें मैं इकट्ठी बनाऊंगी एक ही चीज में। तो आइए मेरे साथ। ये 200 ग्राम मैं दाल ली है, मसूर की दाल ऑरेंज कलर की, तो मैंने भिगोए हुए एक घंटा हो गया जो ये फूल गई है और सॉफ्ट भी हो गई है। इस तरह आपने भी भिगो लेना है और वो सॉफ्ट हो जाती है और ज़रा फूल जाती है, खूबसूरत हो जाती है दाल। इसके लिए मैंने मक्खन का एक पीस लिया ये, और एक प्याज छोटा सा लिया जो कट कर लिया, और लहसुन के 3 जवे लिए हैं ये भी कट कर लिए हैं, 3 से 4 सब्ज मिर्चें जाएंगी इसमें तो साबत ही जाएंगी, कट नहीं करनी। तो ये मैंने लिया है हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून मैंने लिया चिली पाउडर, 1 चुटकी अजवाइन, 2 इलायची, 8 से 10 मैंने काली मिर्चें ली हैं और 4 लौंग ली हैं, 1 टीस्पून मैंने लिया सॉल्ट। तो मेरे साथ रहिएगा व्यूअर्स, ये बहुत ही फायदा देती हैं, इसमें बड़े टिप्स भी हैं और ट्रिक्स भी हैं, तो ये देखिएगा मेरे साथ रहिएगा। शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मैंने देगची ले लिया व्यूअर्स, स्टोव को ऑन करते हैं। तीन से चार चम्मच हम ऑयल लेंगे व्यूअर्स, कोई भी ऑयल अच्छा सा जो आप खाते हैं आप ले सकते हैं। इसमें व्यूअर्स हम कटा हुआ लहसुन डाल देंगे, थोड़ा सा ब्राउन करेंगे, बहुत ही मजे का सर्दियों में ये सूप रहता है, जोड़ों में दर्द भी नहीं होती और एज ए डाइट भी आप यूज कर सकते हैं इसको, सूप को। ये दाल जो है वेट भी लूज करती है, लेकिन आप स्पाइसेस कम रखें तो पहले तो हम एज ए सूप ही मैं बनाऊंगी ये सारा, फिर इसको दाल का जो है रूप देने के लिए, उसके लिए एक मेरे पास टिप अलहदा है, तो साथ रहिएगा देखते रहें तो आपको सारा समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। लहसुन हमारा लाइट ब्राउन हो गया है, बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन हम नहीं करेंगे। इसमें डाल देंगे प्याज, बारीक भी कि मैंने कट कर लिया था प्याज को, ये भी लाइट ब्राउन करेंगे। तो इसमें भी बस थोड़ा सा पानी डालेंगे, दो से तीन चम्मच मैंने पानी डाला है ताकि ये थोड़ा लहसुन और प्याज जो है नरम हो जाए। और इसमें डालेंगे आप ये वाले मसाले, इस टाइम पे हम डालेंगे पानी, दाल नहीं अभी डालेंगे, पहले पानी डालेंगे फिर दाल जल्दी गल जाती है, पानी हमारा बॉयल होगा तो फिर बिस्मिल्लाह 1 लीटर पानी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हमें पानी कम लगे तो हम और भी डाल सकते हैं, क्योंकि सूप के लिए तो ज़रा नरम नरम होती है ना ये दाल। तो डाल देते हैं व्यूअर्स, पानी को बॉयल आता है तो फिर दाल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी को बॉयल आ गया व्यूअर्स, अब इसमें हम डाल देंगे दाल। पानी बॉयल आ जाए प्यारे प्यारे व्यूअर्स, पानी बॉयल आ जाए तो फिर जल्दी दाल गल जाती है। ठंडी दाल में पानी डालेंगे तो फिर दाल जल्दी नहीं पकती। बड़ा मज़ेदार सूप बनता है, सर्दियाँ हैं आप भी बना के देखिएगा और पकाइएगा। साबुत मिर्चें डाल देंगे हम, इसमें डालेंगे मक्खन, बेसमेंट पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे, फ्लेम को मीडियम रखेंगे ताकि अच्छे से गल जाए।
आफ्टर 20 मिनट देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह सुबहानअल्लाह, मजेदार दाल देखें कैसे गल गई है व्यूअर्स। बेहतरीन हमारा सूप जो है रेडी हो गया है। स्टोव को हम बिल्कुल स्लो कर देंगे। अब इसमें डालेंगे हम गरम मसाला पिसा हुआ थोड़ा सा, ग्रीन धनिया यूज करेंगे। माशाल्लाह खूबसूरत, ये हमारा मसूर की दाल का सूप रेडी हो गया है। अब हमने इसको सूप के लिए हम इसमें से निकाल लेते हैं कुछ, फिर हम इसको बताएंगे आपको कि इसमें जरा स्पाइसी दाल कैसे बन जाती है। देखा व्यूअर्स कितना इजी टू कुक है। ये सूप के लिए हम निकाल लेते हैं, लाइक बनता है प्यारे प्यारे व्यूअर्स, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सूप को ट्राई करें। माशाल्लाह सुबहानल्लाह, माशाल्लाह सुबहानल्लाह। इसमें और थोड़ा सा मसाला डालेंगे खूबसूरती के लिए, ताकि मेहमान खुश हो जाएं और हमारा सूप भी खुश हो जाए। इसको हम अब बाकी को दाल बन गए, सूप के लिए तो हमने ज्यादा स्पाइसेस नहीं डाले, अब दाल को थोड़ा स्पाइसी करते हैं ताकि हम पराठे के साथ खा सकें, चावल के साथ खा सकें, नान के साथ ले सकें। स्टोव को ऑफ करते हैं। पैन में लेते हैं थोड़ा सा 2 जवे लहसुन के कटे हुए, थोड़ा सा डालते हैं इसमें ऑयल। इसको देसी तरीके से लगाते हैं हम, तड़का चूल्हे पे रखते हैं। दाल में हम डालेंगे कटी हुई 2 मिर्चें सबस, ब्लैक पेपर पाउडर 1 चुटकी। दाल हमारी थोड़ी स्पाइसी हो जाएगी ताकि हम खा सकेंगे पराठे के साथ, बहुत मजेदार होती है ये, बहुत ही मजे की लगती है। तड़का लगाते हैं, लहसुन को ब्राउन करते हैं। सुबहानअल्लाह, लहसुन का तड़का दाल को वैसे ही बड़ा खूबसूरत लगता है। स्टोव को ऑफ कर देते हैं, दाल में तड़का लगाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये जो आवाज है ना तड़के की, ये बहुत ही खूबसूरत लगती है। माशाल्लाह सुबहानअल्लाह, जाया ना ना जाए। और बर्तन को अच्छी तरह से हमें साफ कर लेना चाहिए। ये अब दाल बन गई है, 1 तीर 2 निशाने। ऐसे सूप भी रेडी कर लें और दाल भी रेडी कर लें। अब इसमें डाल देंगे वर्स थोड़ा सा और धनिया, मजेदार है ना व्यूअर्स, मजेदार। काश आप खा सकते हैं, आप बनाएं, जरूर बनाएं और खाएं भी, बहुत मजे की दाल बनती है ये। 1 तीर 2 निशाने। अब मजे मजे की दाल सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
हैं और हमेशा सूप को ऐसे लेते हैं, ऐसे ऐसे, और साइड से ही इसको पीते हैं, ऐसे ही उबर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे साइड से पीते हैं। जबरदस्त, कमाल कमाल सूप बना है। बस लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो इस फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा।